इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्या चीज़ है कि कोई इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया वो मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मूव करता है। अब जब वो मूव करता है तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगाऊं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी ज्यादा हो। अब ये ना डिपेंड करेगा कंडक्टर टू कंडक्टर, किसका कंडक्टर है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सबके साथ ऐसा नहीं है। हो सकता है कॉपर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगाएं और इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागे, लेकिन हो सकता है एल्यूमिनियम के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही लगाएं जितना आपने कॉपर में लगाया था लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम आए। मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा। तो मोबिलिटी वो है कि आपका कोई भी मटेरियल अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन तेज भाग रहा है हम बोलते हैं ज्यादा मोबाइल है, और अगर बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे वो स्लो भागता है तो ज्यादा मोबाइल नहीं है। वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगवा भी लिया और उसकी स्पीड भी नहीं बनी तो फिर ज्यादा मोबाइल नहीं है। इसको समझने के लिए सपोज एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर में आपने बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया टूवर्ड्स राइट, तो ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपने एक चीज सुनी होगी लास्ट ईयर टर्मिनल वेलोसिटी करके एक टॉपिक था। क्या था टर्मिनल वेलोसिटी कि अगर कोई मीडियम है और आप एक स्फेयर को इसमें गिरते हो तो ये नीचे गिरता है बिकॉज ऑफ इट्स वेट एम जी, और ऊपर क्या लगता है अप थ्रस्ट। जब भी आप किसी लिक्विड में अंदर की तरफ किसी बॉडी को गेरते हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करती है लिक्विड की वजह से, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है 6 pi eta r into v, ऐसा फॉर्मूला आपने सुना हुआ है। और इन शॉर्ट फोर्स जो अपोजिंग फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होती है, जितनी तेज वो स्फीयर मूव करता जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पानी की वजह से उतनी ज्यादा लगती जाती है, मीडियम की वजह से ज्यादा लगती जाती है, और ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है सेम है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आगे मूव करना चाहता है और आगे मूव करेगा बिकॉज ऑफ इट्स फोर्स क्यू। क्यू क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ही, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो आगे मूव करेगा, लेकिन क्योंकि वो किसी कंडक्टर के मटेरियल के अंदर मूव कर रहा है तो उसको अपोजिशन मिलेगी बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो आर की वैल्यू अलग चीज है लेकिन फोर्स तो लगेगी, तो अपोजिंग फोर्स जो भी लगेगी वो डिपेंड करेगी, ये फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके की बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, वो डिपेंड करेगी कितनी तेज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मीडियम में उतनी अपोजिंग फोर्स हाई लगेगी, तो ये बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओनली, रेजिस्टेंस की वजह से अपोजिंग फोर्स है जो अपोजिट लगेगी। अब क्या होगा, शुरू में तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, फोर्स जीरो है, जैसी फोर्स लगी ये फोर्स वेलोसिटी जीरो, तो शुरू में तो फोर्स ज्यादा नहीं है ये, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का इंक्रीज करना, तो इलेक्ट्रॉन शुरू शुरू में वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, जैसी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी अपोजिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब यहां की फोर्स और यहां की फोर्स बराबर हो जाएगी, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पे जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लेकिन विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेट नहीं करेगा, बस वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। लिक्विड में स्फीयर को उस वेलोसिटी को कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो इसके अंदर ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो दो फोर्सेज एक्सपीरियंस कर रहा है, तो एक्सेलरेशन शुरू में कितनी है, बड़ी फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन मास। थोड़ी देर में ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो इस वेलोसिटी का नाम क्या होगा ड्रिफ्ट, तो ये टर्म जीरो, तो ये टर्म इक्वेट कर दें, ये टर्म इक्वेट करके वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इसके इक्वल आएगी, ये एक नया कॉन्स्टेंट है, इसको बोलते हैं मोबिलिटी, ये मोबिलिटी के इक्वल है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो आपने डिनोमिनेटर कम रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम रखा और ड्रिफ्ट आपकी ज्यादा आ गई, तो म्यू आपका ज्यादा आएगा, मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो फॉर्मूला रजिस्टर में मोबिलिटी का फॉर्मूला नोट करें, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वी डी अपॉन ई,
यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके एनसीईआरटी में अगर ये टॉपिक आएगा तो फॉर्मूले के ऊपर आएगा, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन नहीं आएगी, बस ये आएगा कि डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ऑप्शन दे सकते हैं आपको वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी।